हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी चैनल में दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लौकी का एक स्पेशल सब्जी। आप तो लौकी को कई प्रकार से बनाकर खाए होंगे, लेकिन आज मैं जिस प्रकार से बनाऊंगी उसी प्रकार से खाएंगे तो इसका स्वाद भूल नहीं पाओगे। तो बिना देर के चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमेशा की तरह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम लौकी का एक स्पेशल सब्जी बनाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर ली हूँ एक लौकी। एक लौकी को मैं काट कर ऐसे छोटे छोटे करके काटी हूँ और साथ में मैं ली हूँ 3 टो आलू। आलू ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कीजिए, बनना इसे आप भर कीजिए। और साथ में मैं ली हूँ 1 मुट्ठी भर चना दाल। चना दाल को मैं 2 घंटे से पहले भिगा कर रखी हूँ। चना दाल डालने से बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, इसलिए मैं यहाँ पर चना दाल ली हूँ। सब्जी के लिए पहले हम मसाला तैयार करेंगे। मैं यहाँ पर ली हूँ 2 प्याज, 1 सूखी लाल मिर्च, 4 टो काजू, 1 इंच अदरक, इसको मैं छोटे करके रखी हूँ, और थोड़ा सा लहसुन, तेज़पत्ता और 1 टमाटर। खड़े मसाले के लिए मैं ली हूँ 1 दालचीनी, कुछ काली मिर्च, 1 छोटी इलायची और 3 टो लौंग। पहले हम इन सारे मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई रखी हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े चम्मच तेल। अब हम इसमें सारे खड़े मसाला डाल देंगे। अब डालेंगे अदरक, लहसुन, तेज़पत्ता, लाल मिर्च, प्याज, सबको हम 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। हम इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे पीसना है। मसाला थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे काजू। काजू को भी हल्के से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। मैं 1 बड़ा साइज का टमाटर ली हूँ। अगर आपके पास छोटा टमाटर हो तो आप 2 डाल लीजिए। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब हम सारे मसालों को हम निकाल देंगे। मसाला को ठंडा करके हम इसको ग्राइंड करेंगे। मसाला ग्राइंड हो गया है। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे साबुत जीरा 1/2 छोटे चम्मच। जीरा चटक गया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाला। हमने जो मसाला पीसा था अब मिक्सी में थोड़ा पानी डालकर हम इसको डाल देंगे। देखिए मसाला का कलर कितना क्रीमी है। अब हम इसमें सूखा मसाला ऐड करेंगे। 1/2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर,
आधे छोटे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हल्दी पाउडर, सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे मसाला को हम 2 मिनट भुनेंगे। मसाला भुन गया है, अब हम इसमें लौकी, आलू और चना दाल ऐड करेंगे। आलू, लौकी, चना दाल, नमक स्वाद अनुसार, सबको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। आलू, चना दाल और लौकी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि लौकी से भी पानी निकलता है। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। अब हम इसको कवर करके 5 से 7 मिनट पकने देंगे और गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे। देखिए लौकी से पानी निकल कर कितना हो गया है। अब हम लौकी को चेक करेंगे, और थोड़ा बाकी है और थोड़ा पकेगा। अब हम इसको ढक कर और 5 मिनट पकने देंगे। अब हम चेक करेंगे, अब हम आलू को चेक करेंगे। आलू पक गया है। देखिए आलू, लौकी और चना दाल पक गया है, कितने अच्छे से बनी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कसूरी मेथी को हाथ से क्रॉस करके डालेंगे। सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। ये बन गया लौकी, चना दाल और आलू की एक बहुत बढ़िया स्पेशल सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे घर में ज़रूर एक बार बनाइए, खाइए और आपका अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए नीचे वाले कमेंट बॉक्स पर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और हेल्दी रेसिपी के साथ। थैंक यू।